एवर गिवन नामक जहाज ताइवान के एक परिवहन कंपनी का है। जहाज चीन से यूरोप के नेदरलैंड में रोटरडैम जा रहा था। जहाज 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। जहाज स्वेर नहर, जो अफ्रीका के मिस्र में स्थित एक बहुत ही संकीर्ण जलमार्ग है, वहां था। नहर में चलते वक्त एक तूफान आया और कम दिखाई देने के कारण जहाज ने अपना संतुलन खो दिया। तूफान के कारण जहाज कीचड़ में फंस गया, जिससे पूरी नहर अवरुद्ध हो गई। इस कारण जहाज रोटरडैम नहीं जा सका। इसी कारण कई अन्य जहाज भी फंस गए। अधिकारियों ने कहा था कि जहाज को वहां से हिलाने और निकालने में उन्हें कुछ सप्ताह लग सकते हैं। जैसे सड़कों पर दुर्घटना के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है, वैसे ही एवरगिवन जहाज की फंसने के वजह से जहाजों की कतार लग गई थी। मैं आपको स्वेज नहर का महत्व बताता हूँ। अफ्रीका के मिस्र में स्थित स्वेज नहर अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहर जहाजों को अफ्रीका से गुजरने में मदद करती है और समय बचाने में भी मदद करती है। इस महत्वपूर्ण मार्ग से रोजाना हजारों जहाज गुजरते हैं और यही कारण है कि इस जहाज के फंसने के कारण जहाजों का ट्रैफिक जाम लग गया। प्रतीक्षा करने के बजाय कुछ जहाजों ने अफ्रीकी महाद्वीप से दूसरा मार्ग लिया, जो समय बचाने वाले स्वेज नहर की तुलना में 15-20 दिन ज्यादा लंबा है, जबकि अन्य कई जहाज इंतजार करते रहे। कई जहाज निर्यात के रूप में तेल ले जा रहे थे और कुछ जीवित जानवरों को भी ले जा रहे थे जो पीड़ित हो रहे थे। कारोबारियों को अरबों डॉलरों का नुकसान हुआ। जहाजों को लेकर हर कोई बेहद तनाव में था। स्वेज नहर प्राधिकरण ने कहा कि जहाज को निकालने में कुछ सप्ताह लगेंगे। वे जहाज को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका आकार एक मुद्दा था। एक छोटी सी खुदाई करने वाली मशीन को इस विशाल जहाज को निकालने की कोशिश करते देखा गया था। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने जहाज को निकालने की कोशिश करते हुए छोटी सी मशीन का मजाक उड़ाते हुए बहुत सारे मेम्स बनाए। अपने कुशल प्रयासों से SCA आखिरकार 4 दिनों बाद जहाज को निकालने में सक्षम रहा। अन्य दूसरा जहाज भी वहां से फिर गुजर पाए।